दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, पत्नी करेगी हल्दी के पानी से ये काम तो चमक जाएगी पति की किस्मत। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर हम हिंदू शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है, यानी ये दोनों मिलकर या एक साथ जुड़कर ही एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यही वजह है कि जब पत्नी कोई शुभ काम करती है तो उसका सीधा फल उसके पति को ही मिलता है। इसके अलावा ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें यदि आपकी पत्नी आपके लिए करे तो इससे यकीनन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बता दें कि इन उपायों को करने से आपकी किस्मत से जुड़ी जो भी बाधाएँ हैं वो आसानी से दूर हो सकती है। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये उपाय क्या है और आपको इसे कैसे करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइफ एक्स पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर अवेलेबल बेल आइकन को अनेबल जरूर करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले उपाय के अनुसार आपकी पत्नी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इसके बाद देवी लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने एक लोटे में हल्दी का पानी भरकर रख दें। जी हाँ दोस्तों, यानी पानी में हल्दी मिलाकर रख दें। इसके बाद देवी लक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। गौरतलब है कि ये सब करने के बाद हल्दी वाले पानी को थोड़ी देर के लिए वही रहने दें और फिर इस पानी को अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। दोस्तों इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसके साथ ही घर के कई दोष दूर होते हैं और देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके पति के किसी भी कार्य में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों दूसरे उपाय के अनुसार अगर आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हर शुक्रवार को दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक जरूर करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये उपाय केवल आपकी पत्नी को नहीं बल्कि पति पत्नी दोनों को मिलकर करना है। दोस्तों इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है, इसीलिए अगर हो सके तो अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों तीसरे उपाय के अनुसार रोज सुबह उठकर सभी काम निपटा लें और स्नान कर लें। इसके बाद देवी लक्ष्मी जी के सामने बैठकर कमल गट्टे की माला हाथ में लेकर 108 बार ओम श्री श्री महालक्ष्मी श्री श्री ओम नमः मंत्र का जाप करें। बता दें कि इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी काफ़ी प्रसन्न होती है और इससे आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर यह उपाय पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होगी। इसीलिए अगर आप अपनी धन संबंधी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आपको यह उपाय सच्चे मन और सच्ची आस्था के साथ करना है, तभी आपको इनका उचित फल मिल पाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया कि पत्नी करेगी हल्दी के पानी से ये काम तो चमक जाएगी पति की किस्मत। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएं। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।